हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड फ्लावर सेवन सेक्रेटरी पे स्वागत है। गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, तो आज की हमारी रीडिंग रहेगी होली स्पेशल रीडिंग। पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। और आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि आपको कौन पसंद करता है और क्यों पसंद करता है। और हमारा नेचर भी कलर की तरह ही होता है, हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव भी बहुत सारे कलर की तरह। सभी इंसान का नेचर अलग अलग होता है, इस तरह से स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के अनुसार जो आपको पसंद करते हैं वो कौन हैं और वो क्यों पसंद करते हैं, वही हम आज रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 5 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल रहेगी पिंक, सेकंड ग्रीन, थर्ड रेड, 4 पर्पल और 5 येलो। ये 5 पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले 5 पाइल ध्यान से देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये 5 पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है पिंक, तो पिंक का मतलब होता है गाइस कि आज की हमारी रीडिंग है कि आपको कौन पसंद करता है और क्यों पसंद करता है। तो गाइस, पिंक का मीनिंग ही यही होता है कि आप अपने दिल से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इंसान हो, दिल से बहुत ही ज़्यादा एक आपका जो दिल है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है गाइस। तो इस वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, ओके। और वो कौन पसंद करते होंगे वो हम रीडिंग के ज़रिए देखेंगे। लेकिन पिंक का मतलब ये भी होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा विनम्र भी होंगे, सभी के साथ हंसना बोलना मुस्कुराना और एक आपकी पर्सनालिटी चुलबुली होगी, और इस वजह से बहुत सारे लोगों के साथ आप घुल मिल जाते भी होंगे, ओके। और होली का त्यौहार गाइस फेस्टिवल ऑफ कलर्स होता है, रंगों का त्यौहार है गाइस। तो पिंक का भी इतना ही इम्पोर्टेंस है, महत्व है, जिस तरह से दूसरे कलर का है। तो इस कलर का मीनिंग यही है कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हो। अब हम कार्ड के थ्रू देखेंगे गाइस कि आपको कौन पसंद करता है और क्यों पसंद करता है। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1 जिसके सने भी चूज़ की है, तो बताइए कि उनको कौन पसंद करता है और क्यों पसंद करता है। द हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 1 मिनट गाइस, ओके। द मैजिशियन, कैमरा ठीक कर रही थी गाइस, 2 ऑफ वांड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, 10 ऑफ वांड्स, द सन, ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट और लवर्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ वांड। तो आपको कौन पसंद करता है, तो पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड होंगे गाइस, ओके, बहुत ज़्यादा फ्रेंड होंगे। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ही बड़ा होगा, आप कॉलेज में हो तो आपको बहुत ज़्यादा लोग जानते होंगे, आपको आपके सर या मैडम भी बहुत ही अच्छी तरह से पहचानते होंगे,
आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है गाइस। इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों में आप फेमस होंगे और इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग आपको पसंद भी करते होंगे। सन की एनर्जी यही दिखाती है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, चुलबुले हो आप, मस्ती मजाक करने वाले पसंद हो और कभी भी सीरियस नहीं होते हो आप। जो कुछ भी है वो सबके सामने ही है, दिल से जीना पसंद करते हो, ओके। और गाइस, लोगों को आप सॉरी, आपको जो पसंद करने वाले लोग हैं वो गाइस आपके अपने लोग भी बहुत ही ज़्यादा है गाइस। मतलब आपके रिश्तेदार भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, आपके आसपास के लोग, आपके नेबर्स भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, और आप जहाँ काम करते होंगे वहाँ भी लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करते होंगे, बहुत ज़्यादा आपका प्रशंसा करते होंगे और आपके काम की भी बहुत ज़्यादा गुणगान गाते होंगे। आप बहुत ही ज़्यादा उनको रिस्पॉन्सिबल पर्सन लगते हो, इस वजह से वो पसंद करते हैं वर्क प्लेस के थ्रू। आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखते हो किसी भी काम को लेकर, इस वजह से पसंद करते हैं आपके वर्क प्लेस के लोग। और गाइस, आप जो भी चाहते हो वो आप एक बार ठान लेते हो तो वो पाकर ही रहते हो, उनका मानना है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल के नीचे नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हो वो पाकर ही रहते हो। आप किसी को प्यार करते हो तो उसके लिए भी आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और निभा रहे हो और व्यवस्थित तरीके से निभा रहे हो और वो आपके अपने लोग देख रहे हैं। और गाइस, आपकी कॉलेज लाइफ में गाइस आपको बहुत ज़्यादा लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा उनके साथ मस्ती मजाक तो करते ही हो, लेकिन आप उनको घूमने फिराने भी ले जाते होंगे। और एक बात कि आप अपने दिल की बातों से क्लियर कट हो, दिल से बहुत ही एक जिंदा दिल इंसान हो, इस वजह से लोग आपके कॉलेज के फ्रेंड या सभी लोग आपको पसंद करते होंगे गाइस, ओके। यहाँ पेज की एनर्जी और ये जो नेगेटिविटी है गाइस, इसके बारे में भी कहना चाहती हूँ कि कभी कभी आप कुछ मामलों को लेकर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हो जाते हो, ओके। वो आपकी ज़िद कभी कभी आपके फ्रेंड भी पूरी करते हैं, आपके अपने लोग, आपकी फैमिली भी पूरी करती है, आपके रिश्तेदार भी पूरे करते हैं और वर्क प्लेस के लोग भी कभी कभी आपके सामने झुक जाते हैं। क्योंकि आप जीत करते हो वो ऐसे वैसे नहीं करते हो, कुछ सोचते हो, समझते हो, बैलेंस बिठाते हो, उसके बाद कुछ फैसला लेते हो। इस वजह से आपकी ज़िद भी कभी कभी वो पूरी करते हैं, हर बार नहीं लेकिन आपकी ज़िद पूरी करने की उनकी कोशिश हर बार रहती है। और गाइस, आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे क्योंकि आप एक हाउस मेकर हो या हाउस वाइफ हो, तो गाइस आप बहुत ही अच्छी तरह से अपना घर संभालती होंगी, व्यवस्थित तरीके से सभी चीज़ों को अपनी जगह पर रखती होंगी, तो वो भी आपके हस्बैंड या वाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप गाइस, आप अनमैरिड हो तो आपके पार्टनर को आप में ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हो, इस वजह से वो बहुत हर बार वो आपके ऊपर फ्लैट हो जाते हैं, वो हर बार वो आपको चाहने लगते हैं, उनको इस वजह से ही वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आप सभी मामलों को लेकर क्लियर कट हो, तो आप उनको प्यार करते हो तो करते हो, इस तरह से क्लियर कट हो डिसीज़न में, इस वजह से आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, ओके। और आप मेल हो गाइस, तो आपकी जो वाइफ है वो आप में यही पसंद करती है कि आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, हमारी फैमिली का ध्यान रखते हो, ख्याल रखते हो, मेरा भी ख्याल रखते हो, हमने घुमाने फिराने भी ले जाते हो और हर तरह से हमें खुश रखने की कोशिश हर बार करते हो। तो इस तरह से गाइस,
आपको अपने ही और अपने आसपास के सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो क्यों पसंद करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया गाइस। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है ग्रीन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपको कौन पसंद करता है और क्यों पसंद करता है। पहले तो ये ग्रीन कलर का मतलब होता है, होली में ग्रीन कलर का भी बहुत ज़्यादा महत्व है गाइस। ग्रीन कलर का मतलब होता है, हरे कलर का मतलब होता है गाइस, कि ये बहुत ही ज़्यादा एक संतुष्टि दिखाता है, सेटिस्फिकेशन दिखाता है गाइस। आप हर एक चीज़ को लेकर डिसीज़न लेते हो, इसके लिए सेटिस्फाई हो, आपकी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हर बार आपकी लाइफ में रहती होगी, कम ज़रूर होगी लेकिन रहती ज़रूर होगी, ये भी दिखाता है गाइस। आपके बर्थ चार्ट में अर्थ साइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और गाइस, ग्रीन कलर का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी लाइफ में सुकून और शांति भरी लाइफ चाहते हो, और इसके लिए आपकी कोशिश हर बार रहती है। ओके, अब हम कार्ड के थ्रू देखेंगे कि आपको कौन पसंद करता है और क्यों पसंद करता है। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि उनको कौन पसंद करता है और क्यों पसंद करता है। फोर ऑफ शॉर्ट, किंग ऑफ वॉन्ट्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, टावर, ओके, सिक्स ऑफ कप, द सन, सेवन ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप, टेन ऑफ सॉर्ड, द एम्प्रेस, द चैरियट, पेज ऑफ सॉर्ड, द मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हर्मिट। ओके, तो गाइस यहाँ सारे ही साइन मौजूद है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आपको कौन पसंद करता है और क्यों पसंद करता है, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि सन की एनर्जी आ गई है तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, मतलब कि आपको आपके चाहने वाले लोग बहुत ज़्यादा है गाइस, लेकिन आप उनके साथ कम इंटरेक्ट होते हो, मतलब कम कनेक्शन में आते हो। आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत ही कम बोलते होंगे। ओके, तो आपको तो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन आप बहुत ही कम फ्रेंड बनाते होंगे, या फिर आप अपने रिश्तेदारों के साथ भी बहुत ही कम बोलते होंगे। उनके साथ कनेक्शन में आना और उनके साथ बहुत ज़्यादा अपने बारे में बताना आपको पसंद नहीं होगा। अब आपको कौन पसंद करते हैं, तो सभी लोग आपको पसंद करते हैं, आपका नेचर उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइस। आपका स्वभाव, सोच समझ कर बोलना, कम बोलना, सब्र रखना, पेशेंस से काम लेना, ये आपकी जो नाइट ऑफ पेंटिकल की यही कार्ड यही एनर्जी देती है कि आपके अंदर बहुत ही अच्छा पेशेंस है और आप शर्मिले स्वभाव के होंगे गाइस। और गाइस, आपके सपने बहुत ज़्यादा होंगे और वो सपने पूरे करने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी करते होंगे। तो गाइस, आपको बहुत सारे ही लोग पसंद करते हैं, तो वर्क प्लेस के थ्रू गाइस हो गाइस, तो आपको आपके फ्रेंड बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेंड बनने की कोशिश भी करते होंगे। आप जहाँ काम करते होंगे वहाँ गाइस बहुत ज़्यादा लोग फ्रेंडशिप करने आते हैं, लेकिन आप उनके साथ कम ही बातचीत करते होंगे, लेकिन वो लोग आपको पूरी तरह से पसंद करते हैं, उनको आपके अंदर कुछ भी खामी नहीं दिखती है, कुछ भी त्रुटि नहीं दिखती है, सभी तरह से आप उनको स्मार्ट और परफेक्ट लगते हो। आपके रिश्तेदार, आपके नेबर्स, आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली को गाइस आपका यही नेचर बहुत ज़्यादा पसंद आता है
कि आपकी लाइफ में कुछ भी कैसे भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आप शांति से उसको सुलझाने में यकीन रखते हो, और ये नेचर उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। दूसरे लोगों की तरह हड़बड़ाते नहीं हो या इधर उधर नहीं हो जाते हो, शांत तरीके से शांत वे में आगे बढ़ते हो। और ग्रीन कलर का मतलब भी यही होता है गाइस, कि आप सभी तरह से शांत स्ट्रीम में, प्रवाह में आगे बढ़ते हो। और आपके कार्ड भी वैसे के वैसे ही आए हैं, आपके सामने ही मैंने निकाले गाइस। तो और आपको बहुत ही कम लोग जानते होंगे, आप फेमस भी नहीं होंगे, लेकिन जितने भी लोग जानते हैं आपको गाइस, वो सभी लोग आपको पसंद करते हैं, और उनको आपका स्वभाव, आपका नेचर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, और सब कुछ परफेक्ट ही करते हो, सब कुछ परफेक्ट करते हो। डिसीज़न लेने में आपका कोई भी जवाब नहीं है गाइस। आप इमोशनली भी बहुत ही ज़्यादा सभी इंसानों को समझते हो, आपकी अपनी फैमिली को भी बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो, और आप अपने फ्रेंड को भी बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो। आपके आसपास के, आपके नज़दीकी लोग जिनको आप जानते हो, उनको बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो, यही आपका नेचर है। आपके अंदर विजडम है गाइस, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिशाली हो आप, इस वजह से बोलने से पहले 100 बार सोचते हो फिर बोलते हो। ये है रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल थी चूज़ की है रेड गाइस, तो आपको कौन पसंद करता है और क्यों पसंद करता है, तो होली के त्यौहार में रेड कलर का बहुत ज़्यादा महत्व है, वो तो आपको पता ही है, इम्पोर्टेंस है। तो लाल कलर गाइस यही दिखाता है कि आप अपने आप को बैलेंस रखने वाले पसंद होंगे, खुशी से रहना, हर एक इंसान के साथ मिलजुल कर रहना आपका नेचर हो सकता है गाइस। और आप सभी को समझने की पूरी तरह से कोशिश करते होंगे, चाहे आपकी अपनी लाइफ में कितने भी दुख क्यों ना हो, दूसरों को खुश रखना आप पहले अहमियत देते हो। दूसरों को खुश रखना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप दूसरों को खुश रखना जानते हो। रेड कलर का मतलब ये भी होता है गाइस, कि आपका नेचर कुछ बातों को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान होंगे, और इस वजह से आपको लोग पसंद भी करते हैं, कि आप जो भी बात हो वो क्लियर कट करना पसंद करते हो। ओके, अब हम कार्ड के थ्रू देखेंगे कि आपको कौन पसंद करता है और क्यों। पाइल थे जिस किसी ने भी चूज़ के है डिवाइन यूनिवर्स बताए कि लोग उनको क्यों पसंद करते हैं, सॉरी आपको कौन पसंद करता है और क्यों पसंद करता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, लवर्स, सिक्स ऑफ कप, टेन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द फूल। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइव ऑफ पेंटिकल। ओके, तो गाइस आपको कौन पसंद करता है और क्यों पसंद करता है, यहाँ सारे ही साइन मौजूद है गाइस। ओके, अब आपको गाइस
यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड भी आया है और यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड भी आया है गाइस। इसका मतलब ये होता है कि आप सभी सिचुएशन को लेकर बैलेंस कर कर चलना आपको पसंद होगा, ओके। और ये बात आपकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और जो भी लोग आपको जानते हैं पहचानते हैं उनको आपकी ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप घर भी बहुत ही अच्छा संभालते होंगे और आप वर्क प्लेस के थ्रू बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी देते होंगे। मतलब सभी तरह से बैलेंस करना आपको पसंद है, हर एक चीज़ को लेकर आप बैलेंस करना पसंद करने वाले इंसान हो। मतलब एक वन वर्ड्स में कहूँ तो गाइस, परफेक्ट इंसान, जो सभी बातों को लेकर उनको ध्यान है कि उनको कितना किसी को क्या देना है, किस तरह से देना है। मतलब आपके लिए वक्त भी बहुत ज़्यादा मायने रखता होगा गाइस। आप अपने फैमिली में हर एक इंसान की छोटी या बड़ी जिम्मेदारी या फिर चीज़ के बारे में जानते होंगे, पहचानते होंगे और इस वजह से आपके फैमिली के लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर भी लेते होंगे, केयर करते होंगे, आप दिल से जो कुछ भी करते हो वो दिल से करते हो। इस वजह से लोगों की नज़र में आप एक बहुत ही अच्छे इंसान बन जाते हो, आपके अंदर कुछ भी दिखावा नहीं होगा। तो आपकी फैमिली को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप दिल से कुछ भी करते हो। वर्क प्लेस के थ्रू गाइस आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आप वर्क प्लेस के थ्रू हर एक इंसान के काम भी करते होंगे और उनकी मदद भी करते होंगे, पैसों से भी मदद करते होंगे और आपकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटी आती रहती होगी क्योंकि आप हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते होंगे। आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हों, आप क्रिएटिव पर्सन हों और आप हर एक इंसान को समझने की कोशिश करते हो और आपके सामने कोई अजनबी इंसान भी आ जाए तो वो भी आपको पसंद करेगा क्योंकि आप उनके साथ भी बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार करते हो। मतलब आप हर एक इंसान के साथ अच्छी तरह से रहना आपको पसंद है, किसी के भी साथ लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आता है। आपकी वाइफ को आप में ये बात बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप उनकी फीलिंगों को बहुत ज़्यादा मायने रखते हो और उनका ख्याल रखते हो और उनको छोटी बड़ी जो को भी चीज़ चाहिए उसका भी ध्यान रखते हो। और आप हस्बैंड हो गाइस तो आपकी वाइफ को आपकी ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि आप अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश करते हो उनको खुश रखने की, तो वो बात उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आपके फ्रेंड को आप में ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से दोस्ती निभाने में यकीन रखते हो। आप अपनी तरफ से हर तरह की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हो और ये इस वजह से आपके फ्रेंड भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। तो चारों ओर से गाइस आपको लोग इस वजह से पसंद करते हैं क्योंकि आप दिल से बहुत ही अच्छे इंसान हो और हर तरह की हेल्प भी करते हो और हर एक इंसान का ख्याल भी रखते हो। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन भी हो और एक कैपेबल इंसान हो और मैंने आगे ही कहा कि वन वर्ड्स में कहूँ तो एक परफेक्ट इंसान जो अपनी प्रैक्टिकल और इमोशनल लाइफ को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ता है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 4 पर्पल और पाइल 5 येलो, ये दोनों पाइल के लिए हम पार्ट 2 में मिलते हैं गाइस। ये तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही पाइल में साथ में अपलोड करती हूँ तो साथ में ही देख लीजिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।